शरत कुमार रायगुरु आउटसोर्सिंग कर्मचारी महासंघ पुरी जिला आवाहक आप जानते राज्य सरकार निकट में गोटे कैटेगोरी आउटसोर्सिंग उठेदेले नियमित करदे कि आहरी लक्ष लक्ष कर्मचारी ओडिशा अच्छा और पूरी जिला हजार हजार कर्मचारी अच्छा चिंता कले ना सबुठ बड़ कथा हूँ गोटे छात तले तीन प्रकार चाकरी सरकार विनियोग कर गोटे हूँ कंट्राक्चुआल गोटे रेगुलर आ गए आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग कर्मचारी मैंने जो मैंने विभिन्न एजेन्सी मध्यम आपइंटमेंट पाई से प्रथम मस प्रत्येक मस दरमा पाते ना ईपीएफ ईएस आई पाते ना एवं ईपीएफ ईएस आई पाता दरमा चारिमास पांच मस थे मिले एभली भाव जो भाव चली पुरी जिले आउटसोर्सिंग कर्मचारी महासंघ विरोध प्रथम कथा हूँ आउटसोर्सिंग भली ठिका प्रथा उच्छेद करा सुप्रीम कोर्ट 2013 मसीह कहले समान काम को समान दरमा मिलवा कथा समान काम को समान दरमा आज पर्यटन ओडिशा सरकार देना जो भी कम कर 10 वर्ष 20 वर्ष कम कले आईन कहला 10 वर्ष पर हाई स्केल दरमा दवा कथा हाई स्केल दरमा देखिए जो आउटसोर्सिंग एजेन्सी मैंने अच्छा बिना सर्विस टैक्स टेंडर पकाते टेंडर खोला बेले जिलापाल रहा ना लेबर अफिसर रहा ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अफिसर रहा ना से मन इच्छा टेंडर खोलती मन इच्छा टेंडर दिखती लक्ष लक्ष टा आत्मसात करती घुस नि लाच निप कर्मचारी मान पड़ी गोटे 80 पिला काम करने कथा 60 पिला काम कले 20 पिला दरमा सीधा सड़क भाव में आउटसोर्सिंग एजेन्सी ठकी नौ ईपीएफ डिपोजिट करूनी सरकार ईपीएफ दौंट ईपीएफ से डिपोजिट करूनी ठकी नौ ईपीएफ मागिले दरमा मागिले आउटसोर्सिंग संस्था ठके धमक दौर आउ ठके ना आउ ठके आउटसोर्सिंग कर्मचारी महासंघ आज या एवं एथर प्रत्येक कर्मचारी मैंने जो आउटसोर्सिंग एजेन्सी अधीन अच्छा आज आम जिलापाल कहूँ गोटे नोडाल अफिसर आपइंटमेंट होगी स्क्रीनिंग करने अभोग शुणापी द्वितीय कथा हूँ जो तीन टा दाबी पूरण रही से पर्यंत ये समस्त दाबी गुड़िक प्रत्येक मसरे दरमा ईपीएफएसआई डिपोजिट नोडाल अफिसर आपइंटमेंट हम एम ठिका जो कला तालिकाभुक्त जो कंपानी अच्छा से कंपानी को कला तालिकाभुक्त कर बात देवाक पड़ो पुरी जिले नहले आसंता दिन मानक समस्त विभाग आंदोलन हम समस्त दफ्तर को आम अनेक बंद करदेबू अचल करदेबू जदि आम दरमा आम ईपीएफ आम ईएसआई आम स्थायित्व समान काम को समान दरमा ठिका प्रथा उच्छेद ये समस्त कार्यकारी न हुए राज्य सरकार न करती आम आसंता दिन में निश्चित भाव में आहरी जोरदार आंदोलन करूँ तल स्तर को जाए आंदोलन करूँ।